गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट। तो जो हमारा चैप्टर है रिवीजन 1, उसमें हम प्रीवियस क्लास जो आपने पढ़ी है उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो उसी के ये क्वेश्चन है 18, 19 एंड 20। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया था, तो आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अच्छे से आ गया होगा। अब हम उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन करेंगे। रानी जंप्ड 230 सेंटीमीटर हाई। तो रानी कितना जंप करती है, रानी ने कितना जंप किया, 230 सेंटीमीटर ऊंचा उसने जंप किया, ओके। एंड आगे लिखा है एंड सोनू जंप 105 सेंटीमीटर हाई। तो सोनू कितना जंप करता है, सोनू ने जंप किया 105 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन में बोला है हु जंप्ड मोर, किसने ज़्यादा जंप किया, एंड बाई हाउ मच, किसने कितना ज़्यादा जंप किया, है ना। इसमें बोला उसने किसने ज़्यादा जंप किया और इसमें आपको बताना भी है कि उसने कितना किया। तो सबसे पहले आप देखिए, रानी जंप्ड कितना, 230। तो हम यहाँ लिखेंगे रानी जंप्ड 230 सेंटीमीटर्स। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले आपको इसी तरह से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को रीड करना होता है, देन उसकी लैंग्वेज पढ़ के आपको जो जो गिवन डाटा होता है वो लिखना है। हमने रानी जंप लिखा है कितना, 230 सेंटीमीटर। अब लागे है सोनू जंप, तो सोनू जंप करता है कितना, 105 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिख दिया 105 सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो प्रैक्टिकली पहले आप यहाँ देखो, यहाँ जो रानी है उसने इतना जंप किया एंड सोनू है उसने इतना जंप किया मान लो, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि किसने कितना जंप किया और कितना ज़्यादा जंप किया। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने इतना ज़्यादा जंप किया है, किसने, रानी ने, और ये है सोनू। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इसने जंप कर दिया, तो ये कैसे निकाला हमने, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके यही किया हमने, इसमें से इतना हटने हटा दिया, इतना पार्ट इसमें से हटा दिया है। अब यहाँ पे इतना पार्ट हमें मिला, कैसे मिला, सब्ट्रैक्ट करने पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, किसका किस में सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो रानी ने जितना जंप किया है 230 सेंटीमीटर, है ना, और 105 सेंटीमीटर जंप किया है सोनू ने। तो हमें कैसे पता चल रहा है, सिंपली हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा किसने जंप किया है, रानी ने, पर कितना जंप किया है ये हम कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन करके। तो सब्ट्रैक्शन कीजिए आप, रफ में आपको ये करके देखना होगा। तो रफ में आप पहले नोट कर लीजिए इतना 230 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे आप कितना, 105। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ है 230 एंड यहाँ है 105। तो ज़ीरो में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से 1 बोरो करेंगे, तो 1 बोरो करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा एंड यहाँ आपका हो जाएगा 10। अब ये 10 हो गया है, 10 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा आपका 5 एंड यहाँ है 2। यहाँ पे 3 की जगह अब क्या हो गया, 2। तो अब 2 में से 0 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका आंसर होगा 2 एंड यहाँ है 2 एंड यहाँ है 1। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 1। तो 125 आपका आंसर आया है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो पहले उसने पूछा है हु जंप्ड मोर, तो कौन ने किसने ज़्यादा जंप किया, रानी ने। तो हम ये आंसर में लिखेंगे रानी जंप्ड मोर। अब उसने आगे पूछा है कितना जंप ज़्यादा किया है उसने, तो हमने यहाँ निकाला सब्ट्रैक्ट करके कितना, 125। तो 125 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, किससे, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है एंड वो क्या कह रहा है आपको वो समझना है। अगर वो आपको समझ में आ जाता है फिर आप गिवन डाटा लिखिए एंड वो जो पूछ रहा है उसे आप सॉल्व कीजिए इस तरह से, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। सो स्टूडेंट्स, हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कैसे लिखेंगे, देखो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट आपका क्या होगा,
smallest number of three digit. लिखिए, कैसे लिखेंगे? देखो, आपको अगर कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला आपको थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो वन के पीछे आप टू जीरोज लगा दीजिए, तो ये हो गया थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब ऐसे ही मैंने बोला फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वन के पीछे थ्री जीरोज लगा देंगे। फिर मैंने बोला फाइव डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, तो आप क्या करेंगे, वन के पीछे फोर जीरोज लगा देंगे, राइट। ऐसे ही मैंने बोला टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, तो क्या करेंगे, वन के पीछे एक जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से आप स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, काफी सिंपल है ना। अब है नेक्स्ट, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट कैसे लिखेंगे? अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, देखो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट, हाँ, आपको इसमें करना होगा नाइन को रिपीट। नाइन को हम थ्री टाइम्स रिपीट कर देंगे। नाइन को थ्री टाइम्स रिपीट किया तो आपको मिला 999। तो ये जो 999 आपको मिला है, ये क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट। ऐसे ही मैंने आपको बोला होता फोर डिजिट का आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप नाइन को फोर टाइम्स रिपीट करेंगे। टू डिजिट का मैं आपको लार्जेस्ट नंबर लिखने को बोलूँ तो आप नाइन को टू टाइम्स रिपीट करेंगे। वन डिजिट का बोलूँ तो आप क्या करेंगे, नाइन को वन टाइम लिखेंगे। तो इसी तरह से आपको सिक्स सेवन एट कितने भी डिजिट का लिखने को बोले, आपको बस नाइन को उतने टाइम्स रिपीट करना है, ओके? तो इस तरह से आप स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं कोई भी डिजिट के, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थ्री क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और आगे के क्वेश्चंस करने की आप कोशिश करते रहिए, राइट?